निधि ने बताया कि वह मृतिका नशे की हालत में थी, लेकिन दोपहिया वाहन चलाने पर जोर दे रही थी। वह इस हादसे की चश्मदीद है और हादसे के वक्त मृतिका के साथ स्कूटी पर सवार 3DCW के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंझवाला मामले में टीवी पर दिखाए जा रहे घटिया बयानों की निंदा की है। कंझवाला हादसे में लड़की के साथ स्कूटी पर सवार उसकी सहेली निधि ने मीडिया के सामने आकर उस हादसे के बारे में बताया है। वह इस हादसे की चश्मदीद है। निधि ने बताया कि वह मृतिका नशे की हालत में थी, लेकिन दोपहिया वाहन चलाने पर जोर दे रही थी। हादसे का जिक्र करते हुए मृतिका के दोस्त ने बताया कार के टकराने के बाद वह कार के नीचे आ गई, उसके साथ घिसती चली गई। मैं डर गई और वहाँ से चली गई, किसी ने कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि हादसे के वक्त जब लड़की गाड़ी के नीचे फंस गई तो वह चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, लेकिन कार वाले उसे घिसते रहे। उसने यह भी बताया कि गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। बता दें कि इस केस में पकड़े गए पांचों आरोपियों ने अपने बयान में कहा कि हादसे के वक्त वह शराब के नशे में थे और कार में तेज म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण उन्हें किसी तरह की आवाज़ नहीं आई है। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंझवाला मामले में टीवी पर दिखाए जा रहे घटिया बयानों की मंगलवार को निंदा की और लोगों से कहा कि वे पीड़िता को बदनाम करना बंद करें। कंझवाला में 20 वर्षीय अंजलि सिंह की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी और उसे शहर की सड़कों पर करीब 12 किलोमीटर घसीटते हुए ले गई। रविवार को इस घटना में युवती की मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। मालीवाल ने ट्वीट किया, सुबह से होटल मालिक में घटिया बयान टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। वह कह रहा है कि लड़कियों ने शराब पी थी, झगड़ा कर रही थी और मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर लड़कियां नशा करके झगड़ा कर रही थी तो पुलिस बुलाते, देर रात उन्हें होटल से क्यों निकाला, नशे का क्या सबूत है, पीड़िता को बदनाम करना बंद करें। आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।